अभी हम SDO साहब को फ़ोन कर रहे हैं, SDO साहब आदेश दिए हुए हैं, तब भी थाना प्रभारी अभी FIR नहीं करके उसको बुला लिए हैं, है ना, कोशिश कर रहे हैं, क्या वो हम बताते हैं, आप सुनिएगा सर, पास रहिए। हाँ नमस्कार सर, सुरजीत श्यामल बोल रहा हूँ। सर संदीप जी को FIR का सर आदेश दिए, हम कंप्लेन सर दिए हुए हैं, दो दो बार मास पिटीशन भी दिए हुए हैं, अब हमको कह रहे हैं क्वेश्चन बना करके देने के लिए, हम क्वेश्चन बना करके देंगे कि आप क्वेश्चन सर वो क्वेश्चन बनाएंगे ना, हमारा तो जो भी लिखा हुआ। बात कर लीजिए DSP साहब से, बात भी आती DSP साहब से नहीं सर, DSP साहब से बात कर लीजिए, पूरी तरीके से डायरेक्ट कंट्रोल में हमका जी, लेकिन सर सबके हेड तो सर आप है ना। नहीं नहीं हम तो हैं, हम तो प्रशासनिक में सामान प्रशासन में हम हैं जी जी, इसका जहाँ तक मामला आएगा वो है तो ये तो कार्य में सर सर कल भी हम लोग बोले हैं जी, उसको SC ST वाला अब अब अभी सर उसको थाना पर लिए हुए हैं, हम चाहते हैं FIR हो करके उसको तुरंत अरेस्टिंग हो जी जी। एक बार आप DSP साहब से बात कर लीजिए और संदीप से बात करिए ना, उनको FIR करना, हमने जो भी था आपका पत्र भेज दिए हैं जी जी, आप खुद चले गए हैं जी सर, एक बार बात कर लीजिए संदीप से भी जी, और बेहतर होगा DSP साहब से एक बार बात कर लीजिए आप। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। एक बार DSP साहब का नंबर है, निकालो नंबर, एक मिनट लीजिए नंबर। दोस्तों अभी आपने देखा कि SDO साहब ने आदेश कर दिया है FIR के लिए, लेकिन पटोरी थाना प्रभारी के कान पे जू नहीं रेंग रहा है, वो मेरे से कुछ हमसे क्वेश्चन मांग रहा है कि आप क्वेश्चन लिख करके दिए। अब ये बताइए, हमने अपना सारा बात लिख करके दे दिया है और उसी को जांच करने के बाद प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इसीलिए FIR करने का आदेश दिया गया है, और उसके बाद कहाँ सवाल पैदा होता कि हम उनको क्वेश्चन बना करके दें, उनको FIR करना चाहिए और जो भी आरोपी है उनके हिसाब से, क्योंकि बैंक मैनेजर एक मोहद्दी नगर के और दूसरा पटोरी के, आप देखिए पटोरी थाना मेरे जस्ट पीछे है और ये सामने आपको दिख रहा होगा, वो शायद दिख भी नहीं हुआ, इसके ठीक सामने ये बिल्डिंग जो है यहाँ से दिख रहा है, एक मिनट, ये देखिए सामने थाना ये है, ये थाना है और ये सहारा इंडिया के नाम पे फर्जीवाड़े का ब्रांच चल रहा है, ये सामने इस पेड़ के जस्ट रोड के उस पार मुश्किल से 100 मीटर होगा, यहाँ से 100 मीटर होगा थाने में, सबको पता है कि वो सहारा इंडिया का ब्रांच है, और सबसे बड़ी बात है कि हमने पेपर दे दिया कि भाई सहारा इंडिया का लाइसेंस रद्द हो चुका है, और जितने भी ग्रामीण है हमारे भाई हैं करते हैं, और नाम बताइए आप अपना जरा, निरुद्ध कुमार मिश्रा। कितना पैसा है आपका, आपका भी तो पैसा है ना, मेरा 7 लाख रुपया। 7 लाख, कितना पैसा दिए थे आप? मैं 2.5 लाख रुपया दिया था। अच्छा तो किस में दिए थे, कौन से कंपनी में? सहारा इंडिया में। अब देखिए यहीं पे गवाह है, ये देखिए आप कौन से में पैसा जमा किए थे, सहारा में? सहारा में। क्या बोला गया था आपको? सहारा बोला गया था। अभी तक यही जान रहे थे ना जी जी। तो अभी यहाँ पे दो ही आदमी हैं, लेकिन अब बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जिनका सहारा नाम पर ही पैसा लिया गया है और FIR करना है, और मैं कोशिश करूंगा FIR करवाऊंगा। DSP साहब का नंबर निकालिए, अभी SDO साहब ने कहा है कि DSP साहब से बात करने के लिए, DSP साहब से ही बात करूंगा, जरूरत पड़ेगा तो SP साहब से बात करूंगा, FIR दर्ज होना होगा हर हाल में। यहाँ पे बैठ रहे हैं, ठीक है, FIR नहीं करेंगे तो हम यहीं बैठ गए। FIR नहीं होगा जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, अब जहां जाना है जाइए, और ये दोनों आदमी भागना नहीं चाहिए, अगर भागेगा तो उसके जिम्मेवार यहां के जो थाना अध्यक्ष हैं संदीप कुमार पाल जी होंगे, क्योंकि SDO साहब ने कह दिया है जो ऑर्डर हो गया है, और उसके बाद भी FIR दर्ज नहीं करके ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वो हमारा बात नहीं मान रहे हैं। जो आपका पैसा लिया है, जिसने आपको सहारा के नाम पे गुमराह किया, जो भी एजेंट हैं उनको भी अगर गुमराह किया गया है कि हम सहारा हैं, अगर कहा गया है, अभी भी कहा जा रहा है, क्योंकि अभी हमारे सामने, आओ भाई बैठ जाओ इधर, अभी हमारे सामने ऑफ कैमरा पे जैसे ही आए थे क्या कहा था, ऑफ कैमरा पे क्या कहा था, वो कहे थे कि हम सहारा नहीं है, हमको सोसाइटी से हमको लाइसेंस मिला हुआ है, हाँ, और सोसाइटी हम चला रहे हैं। और कल का हमारा वीडियो जा करके देखिए, उसी आदमी का जो पटोरी ब्रांच का मैनेजर है, उसी आदमी का बाइट मैंने दिखाया है, थोड़ा सा लाइव में दिखाया है कि वो क्या बोल रहा है, दूसरे वीडियो में मैंने उस वीडियो को डाउनलोड कर लिया है, तो वहाँ पे कुछ और बोल रहा है, और सच्चाई भी है ना, हमारे पास तो पेपर भी है, आपको पेपर भी दिया है हमने, ये जो लाइसेंस है इसका रद्द हो चुका है, और जानबूझ करके पटोरी थाना प्रभारी FIR दर्ज नहीं करना चाहते हैं, जब तक आप लोग नहीं आएंगे इसको शेयर नहीं करेंगे अधिक से अधिक। नमस्कार सर, सुरजीत श्यामल बोल रहा हूँ। सुरजीत श्यामल सर, वो सहारा इंडिया वाला जो मैटर था ना,
एसडीओ साहब से बात हुई थी सहारा इंडिया वाला जो मैट नहीं है, क्लियर घरघरा रहा है आवाज आपका। अच्छा दोबारा करते हैं सर, दोबारा करो तो आवाज क्लियर नहीं। कोई बात नहीं, दोबारा करो ना। सुजीत से हमने सुन लिया ना, कोई बात नहीं, खाने में कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डीएसपी साहब को फोन लगा रहे हैं, ठीक है सुनिए आप लोग, ये लोग क्या। हेलो, हाँ सुरजीत सामल बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए सर, जो मैटर था सहारा इंडिया वाला, एसडीओ साहब कहे हैं कि आदेश कर दिए एफआईआर का। आप कौन आते हैं? सुरजीत श्यामल। कहाँ से? जी कहाँ से बोल रहे हैं? शाहपुर पटोरी से। डीएसपी स्टाफ है सहारा का? जी हम तो पब्लिक है सर, शिकायत करता है सर। हाँ बोलिए। तो एसडीओ साहब एफआईआर का आदेश किए हैं, उन्हीं से बात हुआ है, तो उन्होंने आपसे बात करने के लिए कहा है। जी संदीप जी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, आपको हमको कहे हैं जी आपको फोन करने के लिए। जी थाने पर हैं सर, थाना के बाहर में बैठे हुए हैं, जमीन पर बैठे हुए हैं। ठीक है, बोल दो। क्या? जमीन पर बैठे हुए हैं। जमीन पर क्यों? अब क्या करें सर, नहीं दर्ज कीजिएगा तो क्या करें बताइए, मजबूर हैं सर, हजारों लोग हैं जिनका पैसा लूट गया सर। आप इंडिया का बात है, कोई प्रॉपर पटोरी का बात नहीं है। ये पटोरी का ही बात है सर, हम तो कंप्लेन तो पटोरी का सर दिए हैं। आप सर देखिए सर, जमा करने के लिए किसने बोला था? अब सर आप ब्रांच खुला हुआ है तो ये तो जिम्मेवारी प्रशासन की है ना, जो नहीं खुला रहे अगर गलत है तो। आपको पैसा जमा करने के लिए प्रशासन बोला था? सर प्रशासन नहीं बोला था हमको जमा करने के लिए, लेकिन प्रशासन ने उसको बंद तो नहीं कराया ना, जब बंद हुआ तो। कोई गलत चीज प्रशासन बंद करा रहा है, बंद होगा तो कहाँ बंद करा, अभी भी सर चल रहा है सर, एफआईआर कहाँ दर्ज हो रहा है? कल भी मैंने थाना प्रभारी को बोल दिया है। नहीं सुन रहे ना सर, सर एसडीओ साहब यही बात बोल रहे हैं, थाना प्रभारी नहीं मान रहे ना, तब हमको आपसे बात करने के लिए कहें, करवाइए सर प्लीज सर, बहुत आभारी रहेंगे सर यहाँ के लोग। जी निश्चित रूप से होगा। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलिए डीएसपी साहब से सकारात्मक बात हुआ है, वो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से एफआईआर होगा और ताला लगेगा। और क्या क्या कहा उन्होंने बताइए? और उन्होंने बोला कि मैं हर जगह कॉल किया हूँ, थाना प्रभारी को भी कह दिया हूँ, वो भी अपनी प्रक्रिया में जुटेंगे और मैं निश्चित रूप से बंद करवाऊंगा। इससे स्पष्ट है एफआईआर का आदेश हो चुका है, लेकिन लापरवाही कौन बरत रहा है आपको जा रही है। इसे क्लियर हो गया, आप लोग देख लिए कि क्लियर हो गया? अभी जस्ट डीएसपी साहब भी बोले हैं कि तुरंत उसमें ताला लगेगा, हम संदीप जी को बोल दिए हैं एफआईआर करने के लिए, अब जस्ट करवा रहे हैं। हम लोग बैठे रहेंगे यहीं पे इंतजार करेंगे, चाहे जितना देर बैठना हो बैठे रहेंगे। आप लोगों तक पहुंचाइए, नहीं पहुंचाइएगा तो मुझे नहीं लगता है प्रेशर क्रिएट होगा, लेकिन पटोरी के डीएसपी साहब ने बहुत अच्छा अभी जो कहा है, आश्वासन दिया है और भरोसा दिलाया है कि तुरंत ही एफआईआर होगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द एफआईआर हो और कम से कम ऑफिस वगैरह सील हो, और जब तक ये सील नहीं होगा तब तक लोगों के अंदर ये नहीं होगा, भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि क्या करते हैं हम बताते हैं कि बंद है, लेकिन एजेंट के थ्रू माध्यम से अगर जाके बता दिया जाता है, लोगों को गुमराह कर दिया जाता है। अब ये देखिए पूरा कंप्लेन हम दिए हुए हैं, सारा कंप्लेन, सारा कागज हमारे पास, इतना सारा कागज देने के बाद हमको फिर लिख के देने की कोई ज़रूरत है क्या? और कितना बार दे चुके हैं, 12 जगह भेज रहे हैं, मेल से भेज दिए हैं, आज हम इसको डाक से भेज रहे हैं, और असल में क्या हुआ, डाक से इतना ज़्यादा पेपर है हमारे पास, इस भाई ने बैठ करके दो दिन तीन दिन में सारे पेपर को एक जगह किया है, सेट लगाया, सेट लगाने के बाद अभी हम उसको क्या करने वाले हैं, 12 जगह उसको कॉपी भेजेंगे, नहीं भेजेंगे तो आप बताइए। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि रो भी नहीं पा रहे हैं, उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। बहुत सारी महिलाओं ने क्या किया है कि अपना पॉकेट खर्च बचा करके 2 रुपया 5 रुपया करके 20-20 साल में किसी ने 50,000 किसी ने 60,000 जमा किया। अब ये देखिए हमारे साथ एक भाई आ गया, पवन, एफआईआर नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। इधर आओ, तुम्हारा कितना पैसा है बताओ तो। 70,000 रुपया है। 70,000 रुपया मेरा है। मम्मी के नाम से जमा था वो बताओ, मम्मी वाला बताओ क्या हुआ था। मम्मी के नाम से पहले हम 2014 में जमा किए, ठीक है, वो पुर गया 2018 में, पुर गया था पैसा। हाँ, उसके बाद पैसा निकालने के तकरीबन हम 6 महीना दौड़े। हाँ, पैसा नहीं निकला उसके बाद। हाँ, तो फिर पैसा नहीं निकला उसके बाद बोल रहा है कन्वर्जन करा लीजिए। हाँ, लास्ट में थक हार के कन्वर्जन कराए। कन्वर्जन कराने के बाद कुंची में था जो कन्वर्जन करा ली, पहले कुंची में था, कौन कंपनी में था? हमारा ही था, हमारा सहारा, पहले कौन सहारा,
पैसा किसमें था? सहाड़ियन में था। अच्छा तो पैसा तुम किस में जमा किए? लेकिन ऐसे बोल के मम्मी को जमा करवाया था सहाड़ा में। हाँ पीछे का फोटो जब पीछे का आ रहा है, कोई बात नहीं चलो। हाँ बोलो। बोल रहा था कि सहाड़ा में जमा करना है। हाँ। मम्मी लोग को, अब लेडीज लोग को उतना मालूम नहीं, तो बोल रहा था सहाड़ा में जमा करने के लिए, सहाड़ा के नाम पर ही पैसा जमा कराया था। हाँ, हाँ। जबकि वो सहाड़ियन में जमा करवा के रखा था। उसके बाद कब तुमको पता चला सहाड़ियन है, ये बताओ? ये तो अभी हमको पता चला है, अभी हम जब बताए तब ना पता चला है, उससे पहले तो नहीं पता था किसी को। क्या जान रहे थे सभी लोग? यही जान रहे थे कि सहाड़ा में पैसा जमा है, सहाड़ा में पैसा जमा है, सहाड़ा में पैसा जमा हो रहा है। और एजेंट लोग भी यही बोल रहे थे, सहाड़ा इंडिया में जमा पता है क्या? अच्छा अच्छा, ये एक और भाई आ गए, धीरे धीरे करके लोग पहुँचना शुरू हुए हैं। नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम नीतीश कुमार पासवान। रुक रुक रुक, नाम बोलिए। मेरा नाम नीतीश कुमार पासवान हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? धमोन घर हुआ। अच्छा धमोन। कितना पैसा है आपका, कहाँ जमा किए थे आप? 70,000 रुपया सर मेरा जमा है। हाँ, और क्या किस में जमा किए थे, कौन से कंपनी में जमा किए थे? सहारा में। सहारा में, लेकिन अभी कभी कह रहे हैं सहारा नहीं है, ये पता चला आपको? जी सहारा का लाइसेंस रद्द हो गया, ये पता है? जी अभी नहीं पता है। तो आपने कागज अपना देखा, क्या कागज में क्या लिखा हुआ है? हाँ उसमें क्या लिखा हुआ है उसमें? अभी तक जो नहीं, अब देखिए जाकर के, उसमें सहारा नहीं लिखा हुआ है, उसमें सहारियन लिखा होगा, उसमें हमारा इंडिया लिखा होगा, उसमें सहारा क्रेडिट लिखा होगा। और भी एक और कौन है पवन? हाँ सहारा क्यूसेक लिखा हुआ है। और दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें, जितना भी ग्रुप है उसमें शेयर करें, क्योंकि लोगों को जागरूकता ज़्यादा जरूरी है। जागरूक नहीं होइएगा, अपने आसपास के लोगों को, कम पढ़े लिखे लोगों को नहीं बताइएगा, तो ऐसे ही लूटा जाता रहेगा आपको जीवन भर। लोग अपना पाई पाई काट करके, एक रुपया जमा नहीं हो पाता, इतना ज़्यादा महंगाई है, पाई काट काट करके लोगों ने एक एक रुपया, दो दो रुपया, दस रुपया, किसी ने 20 रुपया जमा करके महीने में, साल में, 20 साल में जा करके 1-1.5 लाख रुपया जमा किया। किसी ने सोचा कि लड़की का शादी करना है, किसी ने सोचा कि बच्चे को पढ़ाना है, किसी ने सोचा कि घर बनाना है। अब बूढ़े हो गए, हो सकता है हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, और ऐसी स्थिति में लूट के ले गया। अब बताइए ऐसे में पैसा कैसे मिलेगा? मैं अभी भी किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको पैसा दिलाऊंगा, मेरे मुझसे जो बन पाया मैंने हर जगह आवाज़ पहुँचाया, और आवाज़ पहुंचाने के बाद सरकार और कोर्ट ये तय करेगा कि आपका पैसा कैसे दिलाएगा, उन्हीं के पास पावर है। मैंने शिकायत किया, लोगों को पहुंचाया, लोग पहुंच करके अब कंप्लेन करना शुरू करेंगे, FIR होगा, जांच बैठेगा, जांच शुरू होगा, जब उसका पेपर रिकॉर्ड में लिया जाएगा, बोर्ड रिकॉर्ड में लिया जाएगा, वो सब जा करके वो दर्ज करेंगे। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि अगर FIR भी कर लेंगे तो उसके बाद ये कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले तो मैं, अगर समस्तीपुर के SP साहब देख रहे हैं, तो मैं मांग करूंगा कि इनको यहाँ से जल्द हटाया जाए, क्योंकि ये जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, इससे अभी स्पष्ट हो गया। और ये चले भी गए, उसके साथ चले गए, अब क्यों चले गए ये जाँच का विषय है, और 2 दिन से प्रभारी जी कहाँ थे ये भी जाँच का विषय है। आप सभी लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें यहाँ के ग्रामीण जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनका कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकता, पुलिस से तो इतना डरते हैं मत पूछिए, तो हमारी कोशिश है कि उनके लिए कम से कम FIR हो, जांच हो, बाकी कोर्ट का देखना है कि क्या है। कोर्ट को ही डिसाइड करना है, और कोर्ट ही हमारा पैसा दिलाएगा, इस बात को ध्यान रखिए हमेशा। जहाँ जहाँ आप लोग हैं वहाँ FIR दर्ज कराना शुरू कीजिए, DM के पास भेजिए, RBI के पास भेजिए, SFIO के पास भेजिए। पीछे आप हमारे ब्लॉग पे जाइए www.workervoice.in, वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट हमने दे रखा है, 2 ही पोस्ट अभी लिखा है पिछले 15 दिन के अंदर, आपको लेटेस्ट जो सेकेंड लास्ट पोस्ट है हमारा, उसको जाके पढ़िए, उसमें जहाँ जहाँ हाइपर लिंक है क्लिक कीजिएगा, पेपर डाउनलोड हो जाएगा, और हर जगह FIR कराना शुरू कीजिए। अगर आपको सहारा के नाम पे हमारा तुम्हारा में पैसा डाल दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है, तो 420 किया गया है, 420 किया गया है, और उसको जल्द से जल्द जितने लोग हो सके कराइए, क्योंकि शुरुआत कीजिएगा तभी कुछ होगा, नहीं तो उधर वो उसने कह दिया कि सबका पैसा दे दिया, और जैसे ही उसको उधर से छूट मिलेगा, हवाई जहाज पकड़ेगा और माल्या हो जाएगा, फिर किसी का पैसा नहीं मिलेगा। आप सभी को पहल करने की ज़रूरत है, शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।